फ्रेंड्स, व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैंने एक कप व्हिपिंग क्रीम लिया है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसको हम एक बोल में रखेंगे, बड़े से बोल में डाल देंगे और बीटर की सहायता से बीट करेंगे। हैंड ब्लेंडर नहीं यूज़ करना है, इसके लिए हमें बीटर यूज़ करना है, क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा लगता है और इसमें टाइम की बचत भी होती है। बट एनी हाउ उसको 10 to 15 मिनट्स लगते ही है बीट करने में। ये व्हिपिंग क्रीम हमने फ्रीजर में से रात को फ्रीज में रख दिया था और दूसरे दिन मॉर्निंग को हमने इसको व्हिप्ड क्रीम बनाया है। सो रूम टेम्परेचर पर हम इसे नहीं बना सकते, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और 10 टू 15 डेज तक हम इसे यूज कर सकते हैं, बट यू सपोज टू कीप इट, आपको इन फ्रीजर में रखना है इसको। सो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है इसकी क्वांटिटी। हमें अभी इसे और व्हिप करना है, और ज्यादा भी व्हिप नहीं करना है कि ये बटरी इसमें लुक आए या बटरी फ्लेवर आए। 10 टू 15 मिनट्स तक हम इसे व्हिप कर सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप इसको व्हिप करेंगे, ये थोड़ा सा इसकी जो इसका वॉल्यूम है, इसकी कंसिस्टेंसी है, वो थिक होती जाएगी। और आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये व्हिप हो चुका है, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसमें बताऊंगी डिटेल से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने बंद कर लिया है, बट मैं इसको ये देखो फिर भी कितना मुश्किल से इसको मूव कर सकते हैं, हम इसको शेक कर सकते हैं बहुत मुश्किल से बिना बीटर को चलाए। इसका मतलब ये लगभग व्हिप्ड हो चुका है, बट अभी भी ये हम इसको अच्छे से शेक कर पा रहे हैं बिना इसको बीटर को चलाए, तो स्टिल इट विल टेक 5 मिनट्स मोर। और एक चीज का ध्यान रखना है कि व्हिपिंग क्रीम और जो क्रीम हम लोग लाते हैं, दोनों में डिफरेंस है। जनरली जो हम लोग क्रीम लाते हैं, होल क्रीम दैट इज, वो हम लोग करी में यूज करते हैं, सब्जियों में वगैरह यूज करते हैं उसमें क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए। और व्हिपिंग क्रीम हम लोग आइसिंग के लिए यूज करते हैं, केक पर फ्रोस्टिंग के लिए यूज करते हैं। देखिए, अभी ये बहुत ही सख्त हो चुका है, इसको देखो हिलाना या मूव करना बहुत ही मुश्किल है, और ये बीटर से चिपक चुका है। देखिए, ये गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब हमारा व्हिप क्रीम तैयार हो चुका है। इसको अब हम कंटेनर में भी खाली कर सकते हैं और अच्छे से पैक करके इसको 10 से 15 डेज के लिए फ्रीजर में रख सकते हैं। स्पैटुला से भी देखो ये क्रीम अभी नहीं गिरता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें शुगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ये ऑलरेडी स्वीट रहता है। फ्रेंड्स, ये हमारा व्हिपिंग क्रीम तैयार हो चुका है, व्हिप्ड क्रीम तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो आप सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। थैंक यू।